हाँ स्टूडेंट, ये आपकी सोशियोलॉजी की बीए फर्स्ट ईयर की पेपर फर्स्ट की सौरभ शुक्ला के द्वारा क्लास है आपकी बीए फर्स्ट ईयर की। और बीए फर्स्ट ईयर की समाज शास्त्र में मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके बाद समाज शास्त्र की प्रकट कैसे हुई, ठीक, और समाज शास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध क्या है, समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ और समाजशास्त्र का भारत में विकास कैसे हुआ, इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की। अब आप ये क्वेश्चन चाहती हैं, जब समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध हमने देखा था तो कई समाजशास्त्री हैं जो उसमें कई परिभाषाएं ऐसी आती हैं, यहाँ आप देखते हैं कि ये सिलेबस में हमें दिख नहीं रही थी बुक में, तो आपने नहीं पढ़ी होती, तो उनके विषय में आप देखें, यहाँ टॉपिक है कि प्रमुख समाजशास्त्र की उनकी अवधारणाएं, उन्होंने क्या क्या अवधारणाएं दी, क्या कॉन्सेप्ट दिए। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे समाजशास्त्रियों के तो आप सिलेबस के टर्म्स को जल्दी से समझ सकेंगे, इसलिए टॉपिक को मैंने आज आपके उसमें रखा कि मैक्स वेबर का क्या सोचना है, अगस्त क्रांति क्या किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, दुर्गिन सर किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, सोरोकिन महोदय किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, स्पेंसर महोदय ने किस कॉन्सेप्ट पे थ्योरी दी है, इन सब समाजशास्त्रियों को। और आगे इसी क्रम में देखेंगे कि कुछ समाजशास्त्री हैं जिनके उपनाम हैं, ठीक है, तो वो भी आपके क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ठीक है, कि किस समाजशास्त्री को इस नाम से बुलाया जाता है, ठीक। तो उसी क्रम में आज पहले समाजशास्त्री कैसे हैं, तो ये मैक्स वेबर होता है, इन्होंने समाजशास्त्र को स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान माना, इन्होंने समाजशास्त्र को मेन चीज है यहां से, इन्होंने समाजशास्त्र को जो समाजशास्त्र उसको स्वतंत्र फ्री और स्पेशल साइंस माना, विशेष विज्ञान माना, ठीक है, इसके समर्थक है। ये कोटेशन आ गई कि किसने समाजशास्त्र को स्वतंत्र और विशेष विज्ञान माना है, अगर आपने पढ़ा है तो आप क्लियर कर देंगे कि मैक्स वेबर ने का कोटेशन है, ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी के अगले क्रम में है आपकी कार्ल मार्क्स महोदय, ठीक है, इन्होंने बहुत ग्रैंड थ्योरी दी है, ठीक है, आर्थिक स्थिति पे, आर्थिक संरचना पे और इकोनॉमिकल बेस पे इन्होंने समाजशास्त्र पे बहुत कुछ लिखा है, सामाजिक संरचना के विषय में, सामाजिक सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर अर्थात अधोसंरचना, अधोसंरचना, ये आगे आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। तो कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा कि मनुष्य अपना इतिहास नहीं बनाता, अभी साधारण क्वेश्चन आ गया आपको क्लियर नहीं होगा कि किसने कहा कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, कार्ल मार्क्स महोदय ने कहा है कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, ठीक है। दूसरा आपका इसी क्रम में कार्ल वर्टन महोदय ने, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को एक लचीला विज्ञान नहीं माना, इन्होंने समाजशास्त्र को एक फ्लेक्सिबल साइंस माना, लचीला विज्ञान, ठीक है। इसी क्रम में पैरेटो महोदय, इनका पूरा नाम है विल्फ्रेड पैरेटो, ठीक, इनकी क्या है अवधारणा, ठीक, इन्होंने भ्रांत तर्क की अवधारणा दी है, इन्होंने भ्रांत तर्क जो है उसकी अवधारणा दी है, ठीक है, इसी में इनकी अवधारणा भ्रांत तर्क की अवधारणा में तार्किक और अतार्किक दो शब्द टर्मोलॉजी भी ये यूज करते हैं कि तार्किक क्या है, अतार्किक क्या है, लॉजिकल बेस नॉन लॉजिकल बेस, ठीक है। तो इन्होंने भ्रांत तर्क की अवधारणा में का प्रतिपादन किया पहली चीज, और कहा कि सत्य की खोज करो चाहे वो स्वर्ग में हो या नरक में, ये कोटेशन अगर आपको याद है, आप अगर पढ़ा है आपने तो आप तुरंत टिक कर देंगे, ये कोटेशन किसका है कि भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने दी, पूछ दिया गया एक लाइन में कि भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने दी, कार्ल मार्क्स ने, कार्ल वर्टन ने, या पैरेटो ने, या दुर्खेल ने, तो आपने अगर पढ़ा है कि भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने दी तो पैरेटो महोदय ने दी, ठीक है, तो आप क्लियर बता सकेंगे। उसके बाद आगस्ट क्रांति महोदय, ठीक है, इसके बाद बुक में भी मैं बताऊंगा, पढ़ूंगा आपको और क्लियर करते जाएंगे, यहाँ पे ब्लैकबोर्ड पे सारा नहीं लिखा जा सकता था तो इसलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने लिखा। तो आगस्ट क्रांति महोदय ने बोला कि सामाजिक व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो अब आ गया कि सामाजिक व्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, और छोटी छोटी सी है लेकिन बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो जो
सोशल सिस्टम की बात है, सामाजिक व्यवस्था की बात किसने की है समाजशास्त्र में? आदर्श काउंटे हो गए, सर्वप्रथम इन्हें ने किया। ठीक, इसी के बाद दुर्खीन सर महोदय, ठीक, दुर्खीन ने क्या कहा? दुर्खीन ने कहा कि समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। जो समाजशास्त्र था उसको ओरिजिन के रूप में, अगर जनक के रूप में अगर पूछा गया कि समाजशास्त्र के पिछले क्रम में मैंने बताया था समाजशास्त्र के फाउंडर कौन है, जनक कौन है, तो समाजशास्त्र के जनक आदर्श कांटे महोदय। पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? आदर्श कांटे महोदय। उसी क्रम में समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप में सिस्टमैटिक ढंग से सोशियोलॉजी को किसने रूप प्रदान किया, फॉर्मेट दिया? तो वो दिया है दुर्खीन महोदय। ठीक है, ये परिभाषाएं आपकी कुछ ब्लैक बोर्ड पे हैं। ठीक है, कुछ इसी तरह से आपके जैसे दुर्खीन महोदय ने कहा है कि विश्लेषणात्मक संप्रदाय, जो विश्लेषणात्मक संप्रदाय है, दो तरह के संप्रदाय भी बताए जाएंगे, स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय और विश्लेषणात्मक संप्रदाय। ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे। तो इन्होंने ये कोटेशन दिया कि विश्लेषणात्मक संप्रदाय के कट्टर समर्थक थे इसके, और समाजशास्त्र के विषय के ये पहले प्रोफेसर थे। क्वेश्चन आ जाएगा कि समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर कौन थे? ठीक है, अगस्त कांटे, दुर्खीन, पैरेटो, कार्लमार्क्स। तो आप वहां दुर्खीन को टिक करेंगे कि समाजशास्त्र के सबसे पहले प्रोफेसर अगर कोई बने तो दुर्खीन महोदय बने। ठीक है, इसी क्रम में आगे सोरो के ने, जो ये पैरेटो महोदय ने, ये जो पैरेटो ने ध्यान तर्क की अवधारणा दी है, ठीक है, इसी के इसमें बोला इन्होंने, क्या बोला इन्होंने, कहा कि भ्रान तर्क उस मौसमी चिड़िया का नाम है, भ्रान तर्क उस मौसमी चिड़िया का नाम है उसके समान है जिसके अवशेषों की हवा की दिशा की तरफ मुड़ जाता है, जिसके अवशेष होते हैं वो जैसी हवा चल रही होती है उसी दिशा में मुड़ जाता है। इनका कॉन्सेप्ट को इसमें ये तर्क दिया है कि आलोचना की एक तरह से। ठीक है, तो आलोचनाएं किसके कॉन्सेप्ट में किसने आलोचना की, ये आगे आपको आगे स्टडीज में पढ़ने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर के सिलेबस से लेके आप थर्ड ईयर के सिलेबस तक। ये आपके काम जो आएगा ये फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इवन आप कंप्लीशन तक देंगे तो भी एक आपको फैक्ट्स काम आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इनको अलग से निकाल के आपके सामने रखा है कि आपको आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, इसी क्रम में पैरेटो को, तो पैरेटो जो थे वो कहां के थे, पहली चीज क्वेश्चन आ जाता है कि कौन समाजशास्त्री कहां का है, पिछली क्लास में मैंने बताया। ठीक है, क्लास में तो पैरेटो थे जो इटली के थे। ठीक है, इटली से संबंध था, इटली के समाजशास्त्री। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को विकसित स्वरूप किसने प्रदान किया, अगर आ जाए कि समाजशास्त्र को विकसित स्वरूप किसने प्रदान किया तो वो पैरेटो ने प्रदान किया। ठीक है, इसी के क्रम में बोगार्ट्स ने जो भ्रान तर्क की इन्होंने अवधारणा दी थी, उन्होंने भी एक आलोचना की थी। क्या की थी? उन्होंने कहा कि भ्रान तर्क को पैरेटो का सातवां आश्चर्य माना, भ्रान तर्क को पैरेटो का सातवां आश्चर्य माना, और इन्होंने इसका औचित्य सिद्ध अवशेष किया, औचित्य सिद्ध अवशेष किया। ठीक है, इसका नाम इन्होंने औचित्य सिद्ध अवशेष रखा था और भ्रान तर्क की अवधारणा को सातवां आश्चर्य, सातवां आश्चर्य से याद रखिएगा, सातवां आश्चर्य किसने कहा, तो वो आपको बोगार्ट्स महोदय ने कहा। इसी क्रम में आप ब्लूमर महोदय पे देखेंगे तो ब्लूमर महोदय ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने भ्रांतमय की अवधारणा दी है, इन्होंने भ्रांतमय की, भ्रांत शब्द से कितने देखिए आ रहे हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहला याद रखना की भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने दी, अगर क्वेश्चन आता है तो पैरेटो ने, फिर इनकी आलोचना जैसे तो बोगार्ट्स ने, तो भ्रांत तर्क को सातवां आश्चर्य माना। ठीक, चिड़िया के विषय में आ जाए तो किसने दिया, तो वो सोरो के महोदय ने। तो आपको याद रखना है कि किसने क्या कहा, ठीक, किसका क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक, सामाजिक व्यवस्था शब्द की बात आ जाए तो सर्वप्रथम आगस्ट कांटे महोदय, समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का किसमें योगदान रहा, तो दुर्खीन महोदय का। समाजशास्त्र के सबसे पहले प्रोफेसर कौन थे, तो वो दुर्खीन महोदय थे। ठीक है, इस तरह से कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, बहुत फेमस कोटेशन है ये और ये जरूर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के क्रम में अगर आप देखें तो बोगार्ट्स ने इटली के दार्शनिक जो विको थे उनको समाजशास्त्र का जनक माना है,
तो किसने भिखु को समाजशास्त्र का जनक माना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप यहाँ कहेंगे कि भिखु को समाजशास्त्र का जनक बोगार्ट्स महोदय ने, बोगार्ट्स महोदय ने सिर्फ माना। वैसे समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्त क्रांति महोदय, लेकिन बोगार्ट्स ने जो इटली के थे भिखु महोदय उनको समाजशास्त्र का जनक माना, बोगार्ट्स के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन से आइडियाइज होता है। ठीक, समाजशास्त्र में भारत में जो पारिस्थितिकी समाजशास्त्र है, इकोलॉजी सोशियोलॉजी है, उसका प्रयोग, उसका डेवलपमेंट किसने किया, आर के मुखर्जी ने। आर के मुखर्जी का पूरा नाम क्या है, राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी। ठीक, अब इसी क्रम में अगर आप देखते हैं स्पेंसर ने, तो स्पेंसर ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा, सोशियोलॉजी। स्पेंसर का पूरा नाम क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर। आपकी प्राइमरी क्लास है, एक तरह से समझिए बेसिक है आपका बीए फर्स्ट ईयर में, तो हर चीज से आपको हर टर्म से परिचित होना चाहिए भाई। ठीक है, तब समाजशास्त्र में आप अंदर एंट्री कर पाएंगे कि किसकी क्या कॉन्सेप्ट है, किसने कौन सी पुस्तक लिखी। पहला पेपर ही आपका इस तरह से है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रखा गया, तो तब तो आपको और डीप पता होना चाहिए कि किसका क्या फैक्ट है। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे अगर कहें तो आज समाजशास्त्रियों के उपनाम जो है उनके विषय में कुछ बता देते हैं। जैसे आर के मुखर्जी हैं, तो इनको भारतीय सोरोकिन कहा जाता है। भारत का सोरोकिन किसको कहा जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा, तो आर के मुखर्जी वहां ऑप्शन में होगा। आर के मुखर्जी को, घुरिये को, इरावती करबे को या एम एन श्रीनिवास को, चार ऑप्शन होंगे। आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हाँ, भारत का सोरोकिन आर के मुखर्जी को कहा गया है। इसी क्रम में डार्विन का बुलडॉग ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय को कहा गया। डार्विन का बुलडॉग हर्बर्ट स्पेंसर महोदय को कहा गया। ठीक है, इसी क्रम में आगे मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी बुजुर्गीकरण की, सिद्धांत दिया है, मार्क्स के आगे सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा। तो मार्क्स का बुजुर्गवा किसने कहा, तो वो पैरेटो ने कहा। किसने कहा, विल्फ्रेड पैरेटो लिखा होगा या पैरेटो लिखा होगा। ठीक, इसी तरह से मार्क्स का भूत वो किसे कहा जाता है, तो मार्क्स का भूत बेबर को कहा जाता है। मैक्स वेबर इनका पूरा नाम है, बेबर भी लिखा होगा या मैक्स वेबर लिखा होगा, तो मार्क्स का भूत बेबर को कहा जाता है। कामती के उत्तराधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कि कामती के उत्तराधिकारी कौन थे, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आदर्श क्रांति ने समाजशास्त्र की स्थापना तो की, सोशल फिजिक्स सामाजिक भौत की, पहले कहा जाता था समाजशास्त्र को सामाजिक भौत की या सोशल फिजिक्स कहें, और सोशियोलॉजी शब्द जब जो दिया वो किसने दिया, आदर्श क्रांति महोदय ने। ठीक, समाजशास्त्र को इथोलॉजी किसने कहा, सी राइट मिल्स ने। समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, किसने कहा, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने। समाजशास्त्र की स्थापना किस सन में हुई, तो 22 दिसंबर 1838। अगर 22 दिसंबर आपको नहीं याद है, लेकिन 1838 आपको कन्फर्म याद होना चाहिए। ठीक, तो 1838 में, ठीक, अगस्त क्रांति ने स्थापना की समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र किन दो भाषाओं से मिलकर बना है, सब तो समाजशास्त्र दो भाषाएं कौन सी, लैटिन और ग्रीक भाषा से। तो लैटिन भाषा जो समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का आगे का शब्द है सोशियो, तो जो लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से बना है, लैटिन भाषा के सोशियस शब्द से, और लॉजी जो है वो लैटिन ग्रीक भाषा के लॉगस शब्द से बना, दोनों के सहयोग से सोशियोलॉजी बना। और सोशियोलॉजी का मतलब समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान। ठीक, इसी क्रम में उपनाम बता रहे थे आपको, तो उपनाम में कामटे के उत्तराधिकारी कौन है, तो कामटे के उत्तराधिकारी दुर्गीम महोदय है, इनके उत्तराधिकारी ये दुर्गीम महोदय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमें पता होना चाहिए, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि कामटे के उत्तराधिकारी कौन थे, क्योंकि कामटे ने जो समाजशास्त्र दिया उसी को आगे व्यवस्थित रूप से किसने प्रदान किया, दुर्गीम महोदय ने, इनका कोटेशन दिया। ठीक है, तो कामटे के उत्तराधिकारी कौन हुए, दुर्गीम महोदय। ठीक, नवीन कामटे किसे कहा जाता है, अब नवीन कामटे अगस्त कामटे के बाद नवीन कामटे, कामटे जो है वो जॉर्ज सेमिल महोदय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जॉर्ज सेमिल महोदय। ठीक,
इसी क्रम में भारत का मार्क्स किसे कहा जाता है, भारत का मार्क्स किसे कहा जाता है क्वेश्चन है। तो भारत का मार्क्स डीपी मुखर्जी को कहा जाता है, डीपी मुखर्जी, डीपी मुखर्जी लिखा होगा या शॉर्ट में ऐसे मोस्टली जो लिखा जाता है डीपी, शॉर्ट नेम ही यूज करते हैं जो पेपर सेटर होते हैं, आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी का पूरा नाम क्या है, अरे यही क्वेश्चन आ गया, तो गुरजीत प्रसाद मुखर्जी। ठीक, दो क्वेश्चन आपके। इसी के बाद फ्रेंच सोरोकिन किसे कहा जाता है, फ्रेंच सोरोकिन किसे कहा जाता है, तो फ्रेंच सोरोकिन आपके जॉर्ज गुरबिश को कहा जाता है, फ्रेंच सोरोकिन जॉर्ज गुरबिश को कहा जाता है। ठीक, इसी के आगे क्रम में सामाजिक डार्विनवाद या हस्तक्षेप, जो सामाजिक डार्विनवाद है वो किसने लिया या किसका है, तो वो है समनर महोदय का, सामाजिक डार्विनवाद समनर महोदय। वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता कौन है, वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता कौन है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है दुर्खीम महोदय। दो क्वेश्चन आ गया, कांति के उत्तराधिकारी कौन है, दुर्खीम महोदय, वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र की बात आ गया तो दुर्खीम महोदय। ठीक, इसी के व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के, वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के जनक जो है पिता कहे तो वो दुर्खीम महोदय है, और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता की बात करें तो मैक्स वेबर महोदय है। कौन है, मैक्स वेबर महोदय। ठीक है, दो क्वेश्चन लगाए होते हैं, जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र की बात अगर करेंगे तो मैक्स वेबर होंगे, और वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र की बात करेंगे, वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता तो वो दुर्खीम महोदय। ठीक है, इसी के आगे भारत का कांटे किसे, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है कि भारत का कांटे किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं घुरिये को, इनको जीएस घुरिये या घुरिये भी लिखते हैं, और जीएस घुरिये का पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुरिये। ठीक, ये बीए थर्ड ईयर के इंडियन थिंकर है, आपको बीए थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलेंगे पूरे इनकी जीवनी, पूरे इनकी ग्रांड थ्योरीज, लेकिन ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आपके चैप्टरों में मिलेंगे। क्वेश्चन जब अच्छे लेवल पे बनाए जाते हैं, पेपर अच्छा किया जाता है, तो आपको पता होने चाहिए किसका क्या नाम है, किसका क्या टर्म्स है, किसने क्या यूज किया है समाजशास्त्र में, यह आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए, जिससे विषय को पढ़ने में सुगमता होती है। ठीक है, इसी के क्रम में कांटे का उत्तराधिकारी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांटे के उत्तराधिकारी कौन थे, तो दुर्खीम महोदय। समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर कौन थे, दुर्खीम महोदय। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया, दुर्खीम महोदय। वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता कौन थे, दुर्खीम थे। दुर्खीम सर ने बहुत कुछ दिया समाजशास्त्र। ठीक है, और आधुनिक समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि आधुनिक समाजशास्त्र, वैसे समाजशास्त्र के जनक आदर्श कांटे, और उसी शब्द में अगर आगे जोड़ दें आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो वो है कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक कंफ्यूज नहीं होना, समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो वो आदर्श कांटे महोदय है, और आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो वो है आपके कार्ल मार्क्स। ठीक है, मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी, मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आ गया, तो ये आगस्ट कांटे महोदय को कहा जाता है। मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी आगस्ट कांटे महोदय को कहा जाता है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता रहा हूं, आप कई बार लेक्चर को देखेंगे सुनेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कन्फर्म है, आप लिख लीजिए कि एग्जाम में इसी लेक्चर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे कि किसको क्या कहा जाता है, किसका क्या कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया। ठीक है, और इसी क्रम में अगर देखें सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना सन 1956 में आगरा में हुई थी, सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना सन 1956 में आगरा में हुई थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे कि सन 1917 में अमेरिका में, यूएसए में सोशियोलॉजी सोसाइटी के अंतर्गत
ग्रामीण समाजशास्त्र का एक अलग विभाग बना दिया, ठीक है। और एक मैंने समाजशास्त्र का उदय कहां हुआ, वो फ्रांस में हुआ था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्र का उदय कब हुआ, फ्रांस में हुआ, ठीक, यूरोप में। लेकिन समाजशास्त्र का अध्ययन काल सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ, अध्यापन काल कहां प्रारंभ हुआ, वो अध्ययन अध्यापन काल अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सन 1876 ईस्वी में हुआ, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सन 1876 ईस्वी में अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक। और इसी क्रम में अगर एक क्वेश्चन नया पूछते कि समाजशास्त्र का पृथक विभाग कब बना, अध्ययन अध्यापन का प्रारंभ हो गया अमेरिका में सन 1876 में, अगर विभाग की बात करें पृथक डिपार्टमेंट की बात करें तो सन 1879 ईस्वी में, 3 वर्ष उपरांत तीसरे वर्ष में 1879 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में आपके जो है वो पृथक विभाग। भारत में समाजशास्त्र कब आया, तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन कार्य कहां से प्रारंभ हुआ, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का कार्य सन 1914 में बंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ, सन 1914 में बंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। भारत में समाजशास्त्र में पृथक विभाग की स्थापना कब हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई, ये प्रश्न हुआ, ठीक, दो प्रश्न मैंने इसमें किए। तो भारत में समाजशास्त्र के पृथक विभाग की स्थापना सन 1919 ईस्वी में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में हुई, किसकी अध्यक्षता में, पैट्रिक गिट्स की, किस सन में, सन 1919 में, किस चीज की स्थापना, पृथक विभाग की। और भारत में समाजशास्त्र कब आया, किस विश्वविद्यालय में आया, 1914 में बंबई विश्वविद्यालय, और बंबई विश्वविद्यालय में ही पृथक विभाग की स्थापना हुई थी, यहां भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इस तरह से है समाजशास्त्र का उदय विश्व में हुआ अर्थात यूरोप में, उसके बाद भारत में जो समाजशास्त्र आया, फिर उसके बाद सन 1959 अगर कहें दिल्ली विश्वविद्यालय में लास्ट में आया, उसके बाद समस्त यूनिवर्सिटी, भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां पर समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन का न हो। सन 1939 में आपकी इरावती करवे ने पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र आया, और आर के मुखर्जी के सहयोग से लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में समाजशास्त्र आया, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ब्रजेंद्रनाथ सील के सहयोग से आया, ठीक। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा है, ये आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके इस यूनिट से बहुत बनते हैं, क्योंकि शुरुआत होती है और आपको ये समझिए हिस्ट्री है दोस्तों, किसी चीज की हिस्ट्री होती है तो हिस्ट्री पहले आपको तैयार होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में ये कंप्लीट होता है पोर्शन जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, अगले क्लास में हम देखेंगे कि समाज क्या है, सोसाइटी है, ठीक है, क्योंकि समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, ठीक है, और समाज में किस चीजों का अध्ययन करता है, समाज में मनुष्य के सामाजिक संबंधों का, मनुष्य की सामाजिक अंतर्क्रियाओं का, इन सब चीजों का अध्ययन करता है, मनुष्य के समूहों का, ठीक है, मनुष्य समूह में समुदाय समिति संस्था, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, क्या समुदाय समिति क्या होती है, समुदाय क्या होते हैं, संस्थाएं क्या होती है, ये सारी चीजें आगे टॉपिक में अगले क्रम में आपको मिलेंगी, ओके, थैंक यू।